आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस में सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम लेसन 3 अ ब्रेव ट्राइबल गर्ल, एक साहसी जनजातीय लड़की, उसके बारे में एक कहानी समझेंगे। उससे पूर्व अपन ने पहले पढ़ा था कि एक सीमा नाम की लड़की होती है, वो एक धनवान परिवार से होती है, उसके पास में गायें भैंसें जमीन जायदाद सब कुछ होता है। और उसी जनजातीय गांव में एक ऋतु नाम की लड़की होती है जो दिखने में सुंदर होती है लेकिन वह बेचारी गरीब होती है। दोनों लड़कियां जंगल के अंदर गायें चराने के लिए जाती हैं। वहां पर एक सीमा नाम की लड़की होती है, उसको देख करके ऋतु आवाज़ लगाती है कि सीमा इधर आ जाओ, लेकिन ऋतु की आवाज़ सुन करके सीमा वहाँ से दूर चली जाती है एक शांत स्थान पर जहाँ पर घनी घनी घास होती है। उस घनी घास में से एक पायथन यानी अजगर सांप निकल कर आता है और सीमा पर आक्रमण बोल देता है। बचाव के लिए वह ऋतु को आवाज़ लगाती है। उससे आगे अपन आज अध्ययन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझेंगे। ओ ऋतु सेव मी, सीमा क्राइड। ओ ऋतु सेव मी यानी मुझे बचाओ, सीमा क्राइड यानी सीमा चिल्लाते हुए बोली। डू नॉट वरी, चिंता मत करो, सैड ऋतु, ऋतु ने कहा चिंता मत करो। सी स्ट्रक ब्लो आफ्टर ब्लो ऑन द पायथन, उसने अजगर पर एक के बाद एक चोट मारी। बट यानी लेकिन, द पायथन डिड नॉट लीव सीमा, लेकिन पायथन ने सीमा को नहीं छोड़ा। रितु देम थ्रो अवे द स्टिक, रितु ने उस लकड़ी को दूर फेंक दिया। सी कॉट द पायथन्स हेड एंड फॉट विथ इट यूजिंग हर हैंड्स, लकड़ी को दूर फेंक दिया, उसने अपने हाथों की पूरी ताकत से पायथन का जबड़ा यानी मुंह पकड़ा, सिर पकड़ा। द पायथन नाउ लेफ्ट सीमा, पायथन ने सीमा को छोड़ दिया एंड अटैक्ड ऋतु, और ऋतु के ऊपर हमला बोल दिया। रन अवे, दूर भागो सीमा, ऋतु शाउटेड यानी ऋतु ने चिल्लाते हुए कहा सीमा यहाँ से दूर भाग जाओ। नो ऋतु, नहीं ऋतु, सैड सीमा, सीमा ने कहा नहीं ऋतु, मैं दूर नहीं भागूंगी। सी स्टूड देयर, वह वहीं खड़ी रही। सून यानी जल्दी से ऋतु यूज्ड ऑल हर फोर्स एंड थ्रो द पायथन अवे, यानी अपनी ऋतु ने पूरी ताकत लगाई और पायथन को दूर फेंक दिया। कम सीमा, सीमा आओ, सी शाउटेड, बोथ द गर्ल्स रन एज फास्ट एज दे कुड, यानी दोनों लड़कियां वहां से भागी जितना तेज भाग सकती थी। दे रीच्ड द ग्रेजिंग काउज, जहाँ गायें घास चर रही थी वे वहाँ गई। नाउ यानी अब, दे वर सेफ, वे अब सुरक्षित थी। सीमा लुक्ड एट ऋतु, सीमा ने ऋतु की तरफ देखा। देर वर टीयर्स इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। किनकी आंखों में, यानी सीमा की आंखों में आंसू थे। ऋतु आई एम सॉरी, ऋतु मुझे माफ़ करना। आई वॉज वेरी रूड टू यू, मैंने तेरे साथ में अशिष्ट व्यवहार किया है, सही तरह कैसे व्यवहार नहीं किया है। इट ऑल राइट, ये सब सही है। सीमा वी आर फ्रेंड्स, अब हम मित्र हैं, अब हम दोस्त हैं। ऋतु रिप्लाइड, ऋतु ने जवाब दिया। वाज नॉट ऋतु ए ब्रेव गर्ल, क्या ऋतु एक बहादुर लड़की नहीं थी? ऑफ कोर्स सी वाज, एंड वास्तव में ऋतु एक बहादुर लड़की थी। लेटर बाद में, सी वाज अवार्डेड फॉर हर ब्रेवरी, एंड बाद में उसको बहादुरी के लिए इनाम दिया गया, इन बाद में उसे उसकी वीरता के लिए पुरस्कार दिया गया। फॉर हर ब्रेवरी यानी वीरता के लिए उसको अवार्ड दिया गया, अवार्ड फॉर हर ब्रेवरी, वीरता के लिए उसको पुरस्कार दिया गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स ध्यान से समझेंगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हु डिड नॉट लाइक ऋतु, ऋतु को कौन पसंद नहीं करता था? तो इसका आंसर लिखेंगे सीमा डिड नॉट लाइक ऋतु, एंड सीमा नाम की जो लड़की थी वो ऋतु को पसंद नहीं करती थी। तो आंसर क्या लिखेंगे, सीमा डिड नॉट लाइक ऋतु। क्वेश्चन नंबर टू,
वेयर डिड सीमा टेक हर काउज एंड बुफेलोज, सीमा अपनी गायों तथा भैंसों को कहाँ लेकर गई? तो इसका आंसर लिखेंगे सीमा टुक हर काउज एंड बुफेलोज टू द जंगल फॉर ग्रेजिंग, यानी सीमा अपनी गायों तथा भैंसों को घास चराने के लिए जंगल में लेकर गई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अटैक्ड सीमा, सीमा पर आक्रमण किसने किया? हु सेव्ड हर, उसको किसने बचाया? तो इसका आंसर लिखेंगे द पायथन अटैक्ड सीमा, यानी पायथन ने सीमा पर आक्रमण किया, रितु सेव्ड हर रितु ने उसे बचाया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड सीमा से टू रितु, सीमा ने रितु से क्या कहा? व्हाट डिड सीमा से टू रितु, सीमा ने रितु से क्या कहा? तो इसका आंसर लिखेंगे सीमा आस्क्ड रितु टू सेव हर फ्रॉम द पायथन, सीमा ने रितु से उसे अजगर से बचाने के लिए कहा। आंसर क्या हो जाएगा? सीमा ने रितु से उसे अजगर से बचाने के लिए कहा, यानी सीमा आस्क्ड रितु टू सेव हर फ्रॉम द पायथन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अवार्ड डिड रितु गेट, रितु ने क्या पुरस्कार प्राप्त किया? तो रितु गॉट अवार्ड फॉर हर ब्रेवरी, रितु ने अपनी वीरता का पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वर देयर टीयर्स इन सीमाज आईज, यानी सीमा की आंखों में आंसू क्यों थे? तो इसका आंसर लिखेंगे देयर वर टीयर्स इन सीमाज आईज फॉर रितु हु हैड सेव्ड हर लाइफ, सी हैड बीन रूड टू रितु, सीमा की आंखों में रितु के लिए आंसू थे, उसने उसके जीवन को बचाया था, वह रितु के प्रति अशिष्ट रही थी। अब आपको क्या करना, बी के अंदर से वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, बताएं कि निम्न कथन में से सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। सीमा डिड नॉट हैव काउज एंड बुफेलो, सीमा के पास में गायें भैंसें नहीं थी, तो इसमें फॉल्स आएगा, सीमा हैड काउज एंड बुफेलोज, यानी सीमा के पास में गायें भैंसें थी। 2 के अंदर ऋतुवाज रिच, ऋतु धनवान थी, नो, तो ऋतुवाज पुअर थी, तो इसमें फॉल्स लिखना है, ऋतुवाज पुअर, रिच नहीं थी, तो इसमें फॉल्स आएगा। 3 में सीमा सा ऋतु अंडर ए ट्री, सीमा ने ऋतु को एक पेड़ के नीचे देखा, तो यस ट्रू। 4 के अंदर ऋतु फर्स्ट ही हर्ड द साउंड हिसेसस, ऋतु ने पहली बार हिसेसस की आवाज़ सुनी, तो इसमें फॉल्स लिखना है, सीमा ने पहली बार आवाज़ सुनी थी, ऋतु ने नहीं सुनी थी, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा, असत्य। द पायथन कॉइल्ड अराउंड काउज लेग्स, पायथन ने गायों के पैरों के चारों ओर कुंडली लगाई, तो पायथन ने गाय के पैरों के चार कुंडली नहीं लगाई, ऋतु के पैरों के चारों ओर कुंडली लगाई। द पायथन कॉइल्ड अराउंड सीमाज लेग्स, क्या आएगा इसमें, सीमाज लेग्स आएगा, द पायथन कॉइल्ड अराउंड सीमाज लेग्स, तो इसमें आप फॉल्स लिखेंगे। इस प्रकार से एक्टिविटी 1 में एक्सरसाइज A और B को समझते हुए करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।